हिमालय के रहस्यमय पर्वत न सिर्फ भारत बल्कि पूरे संसार के अध्यात्म प्रेमियों के लिए एक विशेष आकर्षण रखते हैं। इसकी वजह है हिमालय में रहने वाले सिद्ध योगी और उनके सानिध्य में होने वाले अद्भुत अनुभव। ऐसा ही एक विलक्षण अनुभव कनाडा से भारत घूमने आए एक दंपति को हुआ। दरअसल ये दंपति थे तो विदेशी, लेकिन अध्यात्म में उनकी बहुत रुचि थी। उन्होंने सुन रखा था कि भारत के हिमालय क्षेत्र में दुर्गम पहाड़ियों पर अनेक सिद्ध महात्मा मिल जाते हैं। हालांकि उन्होंने हिमालय पर जाने का निश्चय नहीं किया था, लेकिन भारत में उनके आगमन के साथ ही विचित्र परिस्थितियों ने उनके कदमों को हिमालय की तरफ मोड़ दिया। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो जिस टैक्सी में वो बैठे थे उसका ड्राइवर बड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उत्तराखंड में ऋषिकेश से आगे की पहाड़ियों पर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। उसके किसी दूर के रिश्तेदार को उनके दर्शन हुए थे और उसके बाद से उसका जीवन ही बदल गया। ये सुनकर वो दंपति सोचने लगे कि क्यों ना पहले ऋषिकेश ही चला जाए। उन्होंने ड्राइवर से उन महात्मा के बारे में और अधिक जानकारी ली, जिसमें मुख्य ये थी कि उनके दर्शन हो ही जाएंगे इसका कोई पक्का नहीं है। उनके दर्शनों की इच्छा कई लोगों के मन में होती है, लेकिन न जाने क्यों ज्यादातर लोग उन तक पहुंच ही नहीं पाते। महात्मा जी के दर्शन वही लोग कर पाते हैं जिन्हें वो स्वयं चुनते हैं, और इस प्रक्रिया में उनका क्या पैमाना है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन दंपति ने सोचा कि महात्मा के दर्शन ना भी हुए तो हिमालय की एक रोमांचक यात्रा तो हो ही जाएगी। ये सोचकर वो अगले ही दिन ऋषिकेश पहुंच गए। यहां से एक गाइड को साथ लेकर उन्होंने पहाड़ों की यात्रा शुरू की। ऋषिकेश से थोड़ी दूर तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन और आगे जाने पर वे समझ गए कि ये यात्रा आसान नहीं रहने वाली है। दिन भर चलकर वे एक ऊंची पहाड़ी तक पहुंच चुके थे। रात में यही तंबू गाड़कर उन्होंने विश्राम किया और सुबह होते ही फिर से वो उन महात्मा की खोज में निकल पड़े। पहाड़ दर पहाड़ पार करते हुए दिन चढ़ गया। गाइड की हालत तो ठीक थी, लेकिन वो दोनों थककर चूर हो चुके थे। लेकिन महात्मा के दर्शनों की लालसा ने उन्हें अपने कदम आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान की। लेकिन शाम ढलते ढलते थकान के मारे उनकी उम्मीद टूटने लगी थी। चलते चलते वो समय भी आ गया जब वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आगे की यात्रा की जाए या फिर यहीं से कदम पीछे की तरफ मोड़ लिए जाए। गाइड ने बताया कि जिस पहाड़ी का जिक्र उन्होंने किया था ये वही पहाड़ी है। इसी क्षेत्र में वो महात्मा अक्सर दिखाई दे जाते हैं। लेकिन कनाडाई दंपति की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। उन्होंने खुद को यह समझाया कि शायद उनके भाग्य में महात्मा के दर्शन नहीं लिखे हैं, और कोई बात नहीं, वो खाली हाथ तो नहीं जा रहे। इस यात्रा के विचित्र अनुभव और मन में परम शांति वो अपने साथ लिए जा रहे हैं। उन्होंने उसी पहाड़ी पर रात्रि विश्राम करने की सोची और ये तय किया कि सुबह यहीं से वापस लौट चलेंगे। ये सोचकर उन्होंने वहीं अपने टेंट लगा लिए। सुबह उठते ही वो लौटने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक ही उन्हें किसी अज्ञात प्रेरणावश थोड़ा आगे चलने की इच्छा जागृत हुई। गाइड भी ये जानकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उन्हें गुफानुमा द्वार दिखाई दिया। गाइड से पूछने पर उसने बताया कि मैंने क्षेत्र में ये गुफा पहली बार ही देखी है। गुफा का द्वार छोटा था और अंदर घना अंधेरा था। हिम्मत करके वो तीनों गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा अंदर से थोड़ी फैली हुई थी, लेकिन उसकी ऊंचाई बहुत कम थी। उन्हें कमर झुकाकर आगे बढ़ना पड़ रहा था। गुफा में आगे चलने पर एक स्थान से थोड़ा प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया। वो तीनों उसी दिशा में बढ़ने लगे। ये रास्ता आगे चलकर इतना सकरा हो गया कि उन्हें लगभग रेंगते हुए ही आगे बढ़ना पड़ा। कुछ दूर चलने पर एक खुली जगह नजर आई और वहीं एक कोने में योगी बाबा आंखें बंद किए हुए ध्यान में बैठे थे। कनाडाई दंपति उन्हें देखते ही समझ गए कि यही वे सिद्ध योगी हैं। उनकी बड़ी जटाएं थीं जो जमीन तक आ रही थीं। उनका शरीर बलिष्ठ और चेहरे पर एक चमक थी। उनकी कदकाठी देखकर उनकी उम्र का कोई अंदाजा लगाना संभव नहीं था।
थोड़ी देर के बाद ही मुस्कुराते हुए योगी ने आंखें खोली और उन्हें उनका नाम लेकर अंग्रेजी में ही संबोधित किया और कहा कि भारत में आपका स्वागत है। ये सुनते ही दंपति विस्मय से एक दूसरे को देखने लगे। बाबा ने उनसे कहा कि यहाँ तक की यात्रा बेहद कष्टप्रद रही होगी, आप थक गए होंगे। लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि थकान उनके शरीर को छोड़कर कहीं गायब हो चुकी थी। वो बिल्कुल तरोताजा महसूस करने लगे थे। अब वो ये भली भांति समझ चुके थे कि वो एक अत्यंत उन्नत योगी के सामने बैठे हैं। तभी उनका गाइड किसी प्रेरणावश वहां से उठकर चला गया। अब योगी बाबा के सामने वो दंपति अकेले थे। बाबा ने उनसे कहा कि आपको भूख लगी होगी, मैं आपके खाने का प्रबंध कर देता हूँ। इतना सुनते ही वो दोनों सोचने लगे कि गुफा में ना तो रसोई है न गैस, यहाँ खाना कैसे आएगा? कोई नजदीकी रेस्टोरेंट भी यहाँ से 2 दिन की दूरी पर होगा। उनके मन में चल रहे इन प्रश्नों पर बाबा ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, जो तुम्हें पसंद है वही खाना तुम्हारे लिए आ जाएगा। तब बाबा ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े। इसके तत्काल बाद वो गुफा खाने की सुगंध से महकने लगी। बाबा के कमंडल के पास 2 थाल प्रकट हुए। उनमें से कपड़ा हटाने पर वो दंपति के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। थाली में उनका पसंदीदा भोजन पिज्जा और पास्ता था। उन्होंने बाबा की आज्ञा से भोजन किया। अब वो पूरी तरह से तृप्त हो चुके थे। इसके बाद उन दोनों ने बाबा जी से कुछ प्रश्न पूछे। बाबा ने उन्हें संतुष्ट किया और बताया कि तुम दोनों की नियत साफ थी और कर्म भी अच्छी थी, इसीलिए तुम यहाँ तक पहुँच पाए। बाबा ने उन्हें उनके जीवन से जुड़ी कुछ गुप्त बातें भी बताई। बाबा ने उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना के कुछ गूढ़ सूत्र भी बता दिए। इस पर दंपति ने इस अद्भुत कृपा के लिए योगी बाबा के चरण पकड़ लिए। अब विदा लेने का समय आ चुका था। उस दंपति के मन में आया कि बाबा आप यहाँ एकांत में रहते हैं और हमारे जाने के बाद ये गाइड अब आपके भक्तों को इस गुफा के बारे में बता देगा, इससे हमारी वजह से आपका एकांत भंग होगा, इसके लिए हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन बाबा के जवाब ने उन्हें चौंका दिया। बाबा ने कहा, बेटे तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ से जाने के बाद उस गाइड को यहाँ के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। महात्मा की निश्चल करुणा देखकर वो अभिभूत हो चुके थे। अपनी आंखों में आंसू भरकर वो दंपति वहां से विदा लेने को हुए। उनके मन में बाबा के प्रति अद्भुत प्रेम और सम्मान उमड़ पड़ा था। बाबा से कुछ समय की ये मुलाकात उन्हें देश काल और संसार की परिस्थितियों से सर्वथा दूर दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने भी उनके इस प्रेम को महसूस किया और हाथ ऊपर करके उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। बाबा से मुलाकात के बाद उन्हें अपने जीवन में अद्भुत शांति और परिपूर्णता महसूस होने लगी। अपनी यात्रा के बचे हुए दिनों में कनाडाई दंपति ऋषिकेश में ही गंगा किनारे घूमते रहे। इसके बाद भारत के योगियों के प्रति मन में अपार श्रद्धा का भाव लेकर वो कनाडा वापस लौट गए। ये घटना आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर कर दें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।